क्या आपको बचपन का धारावाहिक शक्तिमान याद है, जिसमें अंधेरे को बुराई के रूप में दिखाया गया है। शक्तिमान धारावाहिक का विलेन बार बार दोहराता रहता है, अंधेरा कायम रहे। असल में दुनिया की तमाम परंपराओं और संस्कृतियों में अंधेरे को बुराई, अज्ञानता और पिछड़ेपन का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या अंधेरा सच में इतनी बुरी चीज़ है, और क्या प्रकाश में केवल अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आग के आविष्कार से लेकर अब तक प्रकाश को प्रगति का प्रतीक माना गया है, लेकिन हमारी प्रकृति प्रकाश और अंधकार दोनों को बराबर महत्व देती है। शायद तभी दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। बिजली और बल्ब के आविष्कार के बाद अंधेरा हमारे जीवन से दूर होता गया है, लेकिन अंधेरे की अहमियत मनुष्य और बाकी जीव जंतुओं के लिए उतनी ही है जितनी प्रकाश की अहमियत है। चलिए पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसका जिक्र DW मीडिया नेटवर्क ने अपने एक वीडियो में दिया था। बात 1994 की है। 17 जनवरी 1994 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में भूकंप आया, वही लॉस एंजलिस जिसे हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, जहां की चकाचौंध पूरी दुनिया में मशहूर है। भूकंप 6.6 तीव्रता का था। सभी लोग बदहवास होके सड़कों पे उतर गए। लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि उन्हें भूकंप से डर तो लग ही रहा है, और उससे ज़्यादा डर आसमान को देखकर लग रहा है। आसमान में कुछ जगमगा रहा है, टिमटिमा रहा है। दरअसल ये लोग आकाश को साफ साफ देख पा रहे थे। बिजली चले जाने से इतना अंधेरा हो गया था कि इन्हें आकाशगंगा साफ साफ दिख रहा था। लॉस एंजलिस के लोगों के लिए ये पहला अनुभव था। तो समझे आप कृत्रिम प्रकाश हमारे लिए कितना खतरनाक है। आज अप्राकृतिक कृत्रिम रोशनी का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि लगभग 80% दुनिया की आबादी को घने अंधेरे वाला आकाश दिखाई नहीं देता। आज बड़े बड़े महानगरों में इतनी ज़्यादा रोशनी रहती है कि लोग अंधेरे को देखना ही भूल गए हैं। वैज्ञानिक ज़रूरत से ज़्यादा कृत्रिम प्रकाश को प्रकाश प्रदूषण का नाम देते हैं, यानी लाइट पॉल्यूशन। तमाम वैज्ञानिक अध्ययन ये बताते हैं कि प्रकाश प्रदूषण का मनुष्यों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा कृत्रिम प्रकाश बेचैनी, नींद न आना, सिर दर्द, मोटापा, डिप्रेशन और कैंसर जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो ये बात हुई मनुष्यों पर प्रकाश प्रदूषण के प्रभाव की। अब बात करते हैं मनुष्य के अलावा बाकी जीव जंतुओं पर प्रकाश प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। कृत्रिम प्रकाश छोटे कीड़ों और मधुमक्खियों को प्रभावित करता है। कीड़ों की कमी से परागण प्रभावित हो सकता है, जिससे कि दुनिया का बड़ा खाद्य उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश की वजह से पक्षी अपना रास्ता भटक जाते हैं और कई बार अपने घोंसलों तक नहीं पहुंच पाते हैं। प्रकाश प्रदूषण कछुओं की आबादी में आई निरंतर गिरावट के लिए भी जिम्मेदार है। कछुए अपना अंडा समुद्री तटों पर देते हैं। जब कछुए के बच्चे अंडे से बाहर आते हैं तो वो रात में कृत्रिम प्रकाश की वजह से रास्ता भटक जाते हैं और समुद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा समुद्री जीवों पर भी प्रकाश प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल, जिसे जू प्लैंकटन कहा जाता है, जो दिन में समुद्र की गहराई में रहते हैं और रात में समुद्री सतहों पर एल्गी यानी शैवाल खाने आते हैं। जब रात में आसमानों में बहुत प्रकाश होता है तो ये जू प्लैंकटन को भ्रम होता है कि अभी दिन ही है। दिन का भ्रम होने की वजह से ये जू प्लैंकटन सतह पर नहीं आते हैं और इससे समुद्र की सतह पर एल्गी में
बेतहाशा वृद्धि होती है और इससे समुद्र का फूड चैन प्रभावित होता है, जिसका असर जीवों और इंसानों दोनों पर पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि प्रकाश प्रदूषण का समाधान क्या है। इसके लिए हमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही स्तरों पर काम करना होगा। हमें अपने शहरों की प्लानिंग को प्रकृति के अनुरूप बनाने की ज़रूरत है। घर में प्राकृतिक प्रकाश नेचुरल लाइट के प्रयोग को बढ़ावा दें। घरों में बत्ती तभी जलाएं जब इसकी ज़रूरत हो, काम हो जाने पर बत्ती बंद कर दें। लैंप सेट का इस्तेमाल करिए ताकि प्रकाश इधर उधर ना फैले। हल्की लाइटें जलाइए, वो अच्छी रहेंगी। जितनी कम रोशनी होगी उतना ही अच्छा होगा। हमें डिम लाइट की आदत डालनी होगी। तो ये थी प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पॉल्यूशन पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।